नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा खास है, क्योंकि एक जो कुत्ता है वो पागल हो गया है और मैं चाहता हूं कि उसको जिस तरह से वो भौंक रहा है उसको देख के एक तो उस पर दया भी आ रही है, दूसरा एक खुशी भी मिल रही है कि इसके पिछवाड़े पता नहीं किसने पेट्रोल की दो बूंदे डाल दी है जो इतना भौंके जा रहा है। जरा सुनिएगा आप भी। मुंबई मेरी कर्म भूमि है, मुंबई मेरी भी है, सुन लो संजय राउत। मुंबई में बैठा हुआ बोलता है, मुंबई पुलिस को गालियां देगा, महाराष्ट्र के लोगों को गालियां देगा, महाराष्ट्र मुंबई पीओके है बोलने वाले को समर्थन करेगा। तो एक बात सुन ले रे बड़वे, इंटरव्यू जो होता है ना वो पत्रकारों को दिया जाता है, दलालों को नहीं। और मैं कोई प्रवक्ता नहीं है इस महाराष्ट्र शासन का, लेकिन मुंबई से जुड़ी हुई अस्मिता है मेरे, महाराष्ट्र की अस्मिता है। तो तेरे के बाप जो दिल्ली में बैठा है ना उधर, वो उसको भी बोलता हूँ, तेरे को भी बोलता हूँ, औकात में रह के बात किया कर। ये मुंबई है, इधर पीछे झाड़ू डाल के ना मोर बना दिया जाता है और टपाटप चलता है कायदे से। तो अभी भी टाइम है, औकात में रहेगा ना तो अच्छी बात है। और तेरे ज्यादा खुजली हो रही है ना तो एक बार बुला के देखना बेटा, तेरे लाइव शो पूछता भारत में ऐसा ठोकेंगे ना शब्दों से। अरे कभी बराबरी वाले को भी बुलाया कर रे, कभी सुनने वालों को भी बुलाया कर ना, बिटा देता डमी। उनकी क्या औकात होती क्या, 2000-5000 लेके बैठ जाते तेरा वाह वाह तेरा गाली सुनते। कभी हमको भी मौका दे, फिर देखता हूं तेरे पिछवाड़े कितना दम है। अर्णब बेटा मुंबई है इसके लिए भौंक रहा है तू, और शुक्र मना मुंबई पुलिस का जिसके ऊपर तू चिल्लाता है। यही मुंबई पुलिस तुझे सुरक्षा दे रही है। सिर्फ 5 मिनट के लिए मुंबई पुलिस मुझे विनय दुबे को एक मोहलत दे देना, मोर के जैसा नाचेगा तू भी। महाराष्ट्र है मुंबई है, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का मुंबई है। औकात में रह के बात करने का अच्छो अच्छो के औकात दिखाई है यहाँ पे। तू तो बच्चा है रे अभी, बाल समझा क्या, तेरे बाप की दलाली करनी है ना दिल्ली वाले, उसका ही चाटा कर। इधर उंगली करेगा ना बेटा तो कभी जिंदगी में किसी को उंगली करने लायक नहीं रहेगा। समझा रहे प्यार से, मुंबई कर है, शांत रहते हैं, महाराष्ट्र की इज्जत है, मुंबई हमारा सम्मान है, अस्मिता है। थोड़ा भी मस्ती किया ना बेटा, पिछवाड़े मोर याद रख, और देखते कितना दिन तक रहता है तू। शुक्र मना महाराष्ट्र सरकार का, नहीं तो कब का तेरा मोर बना दिए रहते हम लोग। औकात है बुला, तेरे शो पे तेरी नहीं बजाई तो एक बाप की औलाद नहीं। और मुझे मत बुला, मेरे जैसे 50 पड़े हैं, किसको भी बुला ले, देखना है तेरी औकात। बोल है चैलेंज मंजूर है, तू एक बाप का, बोल आएगा बुलाएगा, किसी को भी बुला ले। महाराष्ट्र का जो मुंबई का है ना एक नंबर, उसको बुला ले। और तेरे शो पे तेरे को नहीं वो खोद के चला गया तो बोलना मेरे को, ये महाराष्ट्र की भूमि है, ये महाराष्ट्र का रक्त है। तेरे जैसे ना चूतिए जो है ना 500 पड़े रहते और भोगते रहते हैं। और जो इंटरव्यू रहता है ना बेटा वो पत्रकारों के लिए रहता है, तेरे जैसे दलालों को नहीं दिया जाता वो। तो औकात में रहे, संयम में रहे, खा रहा दो रोटी खा, कर्म भूमि है ये, हमारी जन्म भूमि है। तू आया इधर मुंह उठा के, तेरे इधर कमाने का था ना अच्छे से, क्यों मुंह उठा के चले आया मुंबई कर्म भूमि करने? दिल्ली में नहीं है क्या तेरा बाप रखा तेरे को? ये महाराष्ट्र हमारा है, ये भारत हमारा है। जो महाराष्ट्र की एकता और सम्मान पे ठेस लगाएगा ना तो किधर भारत में छुप नहीं पाएगा। और भौक तेरा भी टाइम आएगा बेटा, तेरा भी टाइम आएगा। जय हिंद जय महाराष्ट्र। आपकी आवाज